हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो टाइम अभी 5:30 का हुआ है और मैंने दूध भिगो दिया है, भैंस का दूध निकाल दिया है। और नार फूस जो डालते हैं सुबह वो कर दिया है। हिमू योगी अभी दोनों सोए हुए हैं, माजी बाबा भी सब सो रहे हैं। तो मैं इस कमरे में आके सोचा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वीडियो शुरू हुई कई दिन हो गए हैं। ये अंधेरा है, वो दूध बिलो लिए और रात को लगाया था पिंजरा, उसमें देखिए चिड़िया बढ़ चुकी है। इधर देखिए भारी भी लगा दिए और अभी 6 बजे भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, क्योंकि दिनों में फर्क हो गया है अभी। तो चलिए निकालते हैं मक्खन पहले, क्योंकि चाय के लिए जल्दी आ जाती है। 6 बजे लाइट बंद कर देती हूँ। ये देखिए पानी गर्म कर लिया है और वीडियो के चक्कर में पानी गर्म हो गया ज़्यादा। और अब निकालेंगे मक्खन। ये डब्बे यहाँ रखे हुए हैं और ये बोतल लस्सी की भरनी है, देख के गई थी कल। इसमें पानी, इसमें रखेंगे चाय, इसमें है मक्खन और मक्खन इसमें से निकालेंगे। इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला के तब रात को देंगे, क्योंकि अभी है ज़्यादा गर्म। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं निकालूंगी मक्खन। ये देखिए गरम पानी मैं अपने पास रख लेती हूँ फ्राई पैन में गरम करके ही। तो आज वो थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था तो उसमें थोड़ा ठंडा मिला लिया। तो उसमें हाथ डालने से घी बिल्कुल भी हाथ पे नहीं लगता, हाथ बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो अभी निकालते हैं मक्खन। और फ़ोन मैंने फ्रंट कैमरा ऑन करके रख रखा था तो इसमें उल्टा दिखता है, लेकिन मैं काम सभी उल्टे हाथ से करती हूँ। इस वीडियो में थोड़ा, इस क्लिप में उल्टा हाथ आ रहा है और एडिटिंग करते समय मैंने देखा हाथ पे, मैंने रात को बिंदी लगा ली थी माथे से हटा के, क्योंकि पूरी रात दिन लगी रहती है तो एक निशान सा छोड़ देती है ये। तो वो मैंने अब देखी तो कोई बात नहीं, अपने को हटा के बाद में लगा लेंगे। ये देखिए पूरा मिला लिया है, ये डब्बा है, हेमो भी लग रहा है। इस देगची में जो कल दूध फट गया था शाम के टाइम, ये देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। तो उसका योगी ने बना लिया है खीस। और टाइम 8:30 और खीस खाने के बाद मैं जाऊंगी खेत में, धूप आप देख सकते हैं। तो चलिए खाते हैं खीस। और सब्जी में आज मैं बनाऊंगी भरवा करेले। तो इसकी रेसिपी डिटेल में मैंने शेयर नहीं की है, अगर कोई चाहता है कि डिटेल में शेयर करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं अगली बार जब भी बनाऊंगी तो डिटेल में शेयर कर दूंगी। तो अभी बनाते हैं फटाफट भरवा करेले और करेले की सब्जी। योगी हेमू को पसंद नहीं है, लेकिन बनने के बाद दोनों ने प्याज निकाल के खा ली और खाली करेले के ऊपर का मेरे को दे दिया कि ये आप खा लो। तो बच्चों का ऐसा ही है, जो मन में आए तो खा लेते हैं, वरना इनका अलग ही हिसाब होता है अपना। तो अभी प्याज को फ्राई करने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं करेले में भरूंगी। और प्याज मेरी थोड़ी पड़ गई थी कम, एक करेला मेरा बच गया। उसकी मन में थी कि मैं आलू के साथ बनाऊंगी, लेकिन शाम के टाइम मैंने माजी से पूछा तो माजी ने वो करेला फेंक दिया था। तो आज ये मदद माजी ने की है, करेले छील दिए, धो दिए, प्याज काट दी। मैं खेत में से आई इतने में ये काम मिल गया, किया हुआ तो आसानी हो गई थोड़ी सी आज दिन में। तभी मैंने कर लिया रेस्ट, क्योंकि थोड़ी बहुत भी मदद मिल जाती है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो अभी बनाते हैं भरवा करेले। इनको मैंने धागे से बांध लिया है, ये मोटा धागा लिया है, जो आम अपने रील होती है गिट्टी की वो नहीं ली है। तो इनको बांध कर तेल रख रखा है, गर्म होने पर इसमें छोड़ देंगे करेले, धीरे धीरे पकते रहेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं सीमांस पर इनको धीरे धीरे पकने में। तो अभी इनको कवर कर देते हैं और अपना बाकी का काम करते हैं। इतने में मैं लगाऊंगी आटा, तो आटा मैंने लगा दिया और इस पर मैंने लगा दिया घी का हाथ। ये करेला बचा हुआ है, ये मुकर रहा है पढ़ाई। तो ये देखिए कपड़े धुल चुके हैं। और दोपहर के बाद अब मिल रही हूँ शाम को सीधा आपसे। शाम के टाइम से 4 बजे से काम में लगे हुए हैं। घर का लगभग पशुओं का काम जो होता है 4 से 5:30 तक का वो हो चुका है। अभी मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी घास, पीछे से ही लेके आई हूँ ज्वार में से, जो बेल है घिया की तोरू की, वहाँ जो बड़ी बड़ी खड़ी थी वहाँ से लेके आई हूँ। खेत में नहीं गई क्योंकि थोड़ा हो गई थी लेट, तो यहीं से ले आई हूँ। और अभी मैं लाइट ऑन करूँगी और थोड़ा बहुत जो काम है स्टीन का वो करेंगे। चारा हमने पहले काट दिया था, दूध निकालने से पहले ही काट दिया था। पशुओं को थोड़ा जल्दी निकाल देते क्योंकि अभी 2-3 दिन से मौसम ऐसा है, बादल रहते हैं। इसमें मेरे को लग रहा था कि आज थोड़ी कम है, तो मैंने थोड़ा सा दड़िया और डाल दिया है और इसको मैं रख देती हूँ बाहर, क्योंकि सुबह आसानी रहती है, वही के वही फटाफट काम हो जाता है। तो इसको रख दूंगी। और अभी जो रखी हुई है आरी पे भैंस की चाट, उसको देखूंगी। और ये बोतल, सामने एक दुकान है, सिलाई करती है वो, रेवाड़ी से आती है, तो वो देखे गई थी कि इसको भर देना। तो देखेंगे, क्योंकि अभी भैंस दूध पूरा नहीं दे रही है, तो थोड़ी समस्या बन रही है छाए में। तो इसमें मेरे को लग रहा था कि पानी कम है, तो मैं इसमें अभी पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, यही मैंने इसमें डाल दिया है। और पानी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढककर रख दूंगी। मेरे को लग रहा है थोड़ा ईंधन भी कम है, तो ईंधन दूंगी इसमें थोड़ी देर बाद। अभी अच्छी खासी आँच इसमें चिलचिला रही है, जो उपले की होती है ना, लाल लाल सी बिल्कुल एकदम, तो वो अभी है इसमें। तो थोड़ी देर में हो सकता है बन भी जाए, ना बनेगी तो थोड़ा सा ईंधन और दे देंगे इसमें। और ये मुँह क्या पढ़ाई करता है, पूरे दिन बस लेट की किताब हाथ में, ये कोई पढ़ाई नहीं होती। तो अभी ये जो मुड्डी है इनको रख देती हूँ, क्योंकि राकेश आई थी तो बैठ गए थे थोड़ी बहुत देर, इसी चक्कर में लेट भी हो गई, खेत में भी नहीं गई, यहीं से लेके आई हूँ। और ऐसे चारे की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सुबह लेके आई थी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा एक टाइम का हो जाए तो आदमी को कब क्या काम हो जाए टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि पशुओं का ऐसा ही है कि चारा बहुत ज़रूरी है। अभी तो पंखा लगा देते हैं इनके पास। तो घास लेके आने के बाद मोटे मोटे से जो काम ये दिखते हैं इनको करने के बाद, अभी मैं अपने हाथ धोऊंगी। ये हैंड वॉश है डिटोल का, तो एक बार एक पैकेट लेके आ जाते हैं, तो जब भी ख़त्म होता है तो इसमें डालते रहते हैं। तो अभी हाथ धोने के बाद थोड़ी देर बैठूंगी मैं हवा में, क्योंकि पंखा मैंने लगा दिया है पहले ही। और अभी तो योगी के एक जोड़ी कपड़े हैं, उनको बाद में धोऊंगी, मशीन में हैं तो धुल तो हो चुके हैं, लेकिन उनको पानी में से निकालना है एक बार। तो चलिए पहले करते हैं थोड़ा सा आराम हाथ धोने के बाद।
मैं आई हूँ खेत से, योगी ने ले ली अपनी किताब, हेमू बैठा है ऐसे ही, और हेमू ने ये अनार मेरे लिए बचा के रखे हैं, तो आप सब भी खा लीजिए। आके मैंने पंखा लगा दिया है। और आज मैं सुबह नहाई थी लगभग 7:15, उसके बाद दोपहर में नहाती हूँ, नहीं नहाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सोई, 1 बजे सो के 4 बजे उठी, तो नहाना कैंसिल। और अभी लेके आई हूँ चारा, तो अब हाथ धो लिए हैं, पहले बनाऊंगी रोटी, रोटी तो लग रही है भूख, तो उसके बाद नहाना होगा, पहले खाती हूँ अनार। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। टाइम 7:15 हुए हैं, नहीं 7:10 ही, 7:10 का टाइम है। खाना पीना सब हो गया है, भैंस देख रही है क्योंकि इसको गुड़ डालना है अभी, और सारा काम हो चुका है। मैंने अपना पानी रख दिया है आरी पे गर्म करने के लिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्म पानी से नहाऊंगी। और अभी खाना खाया है तो लगभग आधे घंटे बाद नहाऊंगी, तो अभी इतनी देर में पानी गर्म होगा, इसको गुड़ डालूंगी। ये मुझे ने खाना खा लिया है, बर्तन ये रखी हुई है, ये देखिए ये रखा है, और इस मग्घी में है मेरा दूध, मैं पीऊंगी दूध पहले, क्योंकि एक बार अभी फ्री होके ही फिर नाना धोना करने के बाद रेस्ट, तो काम हो जाता है जल्दी। एक वेली भरी रखी है उपड़े की, इसको बिताना है क्योंकि इस फसले में सुबह गोबर डलेगा। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। और जो आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और थोड़ी देर बाद ही उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा भी ना करें। मैं कई वीडियो देखी है, सभी को ये प्रॉब्लम है, सभी को है ये प्रॉब्लम कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करते हैं फिर उसको दोबारा अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ऐसा भी ना करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, किसी की भी हो, गांव की हो, शहर की हो, जो आपको अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और अभी करते हैं इस वीडियो का यही एंड। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरा एक दूसरा चैनल है JBMDK भजन नाम से, आज मैं भूल गई, उसकी लिंक मैंने नहीं दी, लेकिन जो कल तारीख है 21 सितंबर को जो वीडियो आएगा, आज तारीख 20 है, अगले दिन ये वीडियो जाएगा, तो 21 के जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल की लिंक मैं दे दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ से उसको चेक करें और उसको भी सब्सक्राइब करें, अपना साथ सहयोग बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय।